है कि हम एक कलाकार को आपके लिए लेकर आए, उनके बारे में बात करें। तो अब हर बार तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि आपको गाना सुनाती हूँ, आपको हिंट देती हूँ, फिर पूछती हूँ कि अच्छा बताइए कौन सा कलाकार है। लेकिन आज मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि कलाकार बेमिसाल में आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं निर्देशक और पटकथा लेखक बासु चटर्जी के बारे में। वो उन चुनिंदा निर्देशकों में से एक थे जिन्होंने मध्यवर्गीय परिवारों के हालात बड़े पर्दे पर दिखाए। उन्होंने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल में भी अपनी खास जगह बनाई। खास बात यह है कि उन्होंने निर्देशन या फिल्म मेकिंग से जुड़ा किसी तरह का कोई कोर्स भी नहीं किया था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। चलिए तो फिर आज बासुदा के बारे में ही बात करेंगे। और बात जब चली है तो उनकी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो हमें बेहद पसंद हैं, तो उन गीतों को मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बासुदा का जन्म हुआ था 10 जनवरी 1927 को। अभी हम चलते हैं इनके एक फिल्म की तरफ। और ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी और इसके गाने भी सारे बहुत अच्छे थे। चलिए प्ले करती हूँ, उसके बाद लौट कर आती हूँ कलाकार बेमिसाल में। फिल्म थी रजनीगंधा, अगर आपने देखी हो तो। वेल, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा।
कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप कभी भी देखें, फिल्म तो फिल्म है और अभी भी वो हम लोगों के बीच में, मुझे लगता है अपने फिल्मों के जरिए है। आज हम बात कर रहे हैं बासु चटर्जी के बारे में और बासुदा की फिल्में बहुत ही हल्के फुल्के मूड वाली मध्यवर्गीय परिवार की कहानियां हुआ करती थी और वो अपनी फिल्मों में शादी और प्यार के संबंधों पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। इसके अलावा उनकी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों और नैतिक मुद्दों पर भी बातचीत की जाती थी। ये बात तो सही है। अगर मैं उनकी एक फिल्म की बात करूं तो सारा आकाश की, तो इस फिल्म के साथ बासु चटर्जी ने फिल्मों में निर्माण और निर्देशन की शुरुआत की थी और फिल्म की कहानी राजेंद्र यादव के लिखे उपन्यास सारा आकाश पर आधारित थी। शुरुआत करने के लिए के लिहाज से बासु जी की ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म में राकेश पांडे, मधु चक्रवर्ती, नंदिता ठाकुर, एके हंगल और दीना पाठक मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी में आगरा का एक संयुक्त परिवार दर्शाया गया है जो शादी होकर आने वाले एक नए जोड़े का स्वागत करता है और उसके बाद इस घर में तकरार शुरू होती है। शादी के बंधन में बंधने वाले दोनों ही लोग घरेलू जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और अंत में शादी खत्म हो जाती है और इस फिल्म की पटकथा जो थी वो खुद बासु चटर्जी ने ही लिखी थी और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक के फिल्मफेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। एक आम आदमी की जिंदगी, एक मतलब हम जैसे लोग मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी को पर्दे पर इतनी खूबसूरती से लाना अगर कोई कर सकता था तो मुझे लगता है कि वो बासुदा ही थे। छोटी छोटी चीजों का ध्यान उन्होंने रखा। उन्होंने ये भी बताया कि एक जो महिला है वो भी शादी के बाद भी किसी दूसरे मर्द से भी अट्रैक्ट हो सकती है, ये कोई गुनाह नहीं है। उनकी हर फिल्म में एक संदेश था, एक बात थी जो कि वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और सबसे बड़ी बात, वो कहानी ऐसी थी जिसको हम अपने आप से रिलेट कर सकते थे। कहीं मत जाइए, कलाकार बेमिसाल में आज हम बात कर रहे हैं बासु चटर्जी की, आकाशवाणी दिल्ली के गोल चैनल 100.1 पर। सुनिए, कहिए, कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए, कहिए ना, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए, कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए, कहिए ना, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। नहीं जिस पे काबू, ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए, कहिए, कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए, कहिए ना, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी इतनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए,
कहिए सुनिए सुनिए कहिए हाँ हाँ सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा तुम्हारी अदा है वो सबसे जुदा है चाहा है तुमको इसी वास्ते सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा ये जो गाना सुना ये गाना था बातों बातों में फिल्म से अपने पसंदीदा जॉनर के अनुसार बासु चटर्जी ने इस फिल्म में भी रोमांस और कॉमेडी को सबसे आगे रखा और उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन भी किया और निर्माण भी किया। फिल्म की कहानी मुंबई के बांद्रा इलाके में रहने वाले कैथोलिक लोगों की कहानी बताती है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जितनी हिट हुई थी उतना ही इस फिल्म ने जो क्रिटिक्स है ना उनको भी प्रभावित किया था। फिल्म में बासु चटर्जी के पसंदीदा कलाकार अपने अमोल पालेकर जो कि मेरे भी और बहुत सारे लोगों के पसंदीदा कलाकार होंगे और टीना मुनीम के साथ साथ मुख्य भूमिकाओं में वो दोनों नजर आए। इनके साथ और भी काफी सारे कलाकार थे। इसके अलावा फिल्म में डेविड पर्ल पद्मसी असरानी और रंजीत चौधरी भी सहायक कलाकारों की भूमिकाओं में नजर आए और ये फिल्म बहुत ही गुदगुदाने वाली फिल्म थी। तीन बार देखी है मैंने ये फिल्म और जितनी बार देखती हूँ मुझे लगता है उतनी बार इस फिल्म को फिर से दोबारा देखने का मन कर जाता है। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ आपको कि बासु चटर्जी को आखिरकार फिल्मों में आने की क्यों सूझी, मतलब क्यों वो फिर इस लाइन में आ गए। बासुदा के मुताबिक उन दिनों एक फिल्म आई थी बाइसिकल थीफ, उसकी शूटिंग ना किसी स्टूडियो में हुई थी और ना ही इसमें कोई मंझे हुए आर्टिस्ट थे। सब कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके ये फिल्म बनाई गई थी लेकिन इसके बाद भी सबके सब उसको देखकर ना चौंक गए थे और उनको भी ये फिल्म काफी अच्छी लगी थी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने देखा कि सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई है पाथेर पांचाली। इससे पहले तक ये था कि जो भी अच्छी चीज होती है तो वो इटालियन होगी जर्मन होगी या फ्रेंच होगी। जब सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली बनाई तो हमारी आंखें यानी कि उन लोगों की आंखें खुली कि हम लोग भी ये काम कर सकते हैं और कुछ हौसला आया और फिर उसके बाद बासुदा का झुकाव फिल्म निर्देशन की ओर हुआ। तो चलिए उनके बारे में और ढेर सारी बातें करेंगे। वैसे टाइम मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि जितना मैं बता सकूं उतना मैं आपको बताऊं। और अभी एक गाना मैं ना आपको सुनाने वाली हूं और ये गाना खट्टा मीठा फिल्म से है, बड़ी फैमिली वाली फिल्म है, ये गुदगुदाती है आपको हंसाती है छोटी छोटी चीजें बताती है। अच्छा एक चीज इसमें थी जो कि हमने देखी थी कि भाई एक मम्मी है जो अपने बेटे के लिए परेशान है कि उसकी कैसे ना कैसे शादी हो जाए और वो भी चाहता है कि मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी सास बन जाए
मैं ना वही वाला सिचुएशनल सॉन्ग सुनाऊंगी आपको, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं ना जो अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी कब सास बनेगी, जल्दी से बन जाना। तो यही गाना फिल्म खट्टा मीठा से आपको सुनाने जा रही हूँ। कहीं मत जाइए, आकाशवाणी दिल्ली का गोल चैनल, सुनते रहिए हमारे साथ। कलाकार बेमिसाल में आज बात हो रही है निर्देशक और पट कथा लेखक बासु चैटर्जी के बारे में। मम्मी 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 ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ कब सास बनेगी। जब 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 मेरी शादी होगी तब 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 तू दादी होगी, शादी होगी तब 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 तू दादी होगी। सुनो मेरी मम्मी, अरे केटी हो या शम्मी, चाहे लूली लंगड़ी निकम्मी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। नौशर भाई खुर्शीद भाई, मैं लाइसेंस लेकर आया तू मेरी शादी करा दे, अरे चुलबुल सी कोई बुलबुल सी कोई कोयल सी, एक दफा बस एक दिला दे उसके घर पे ब्रेक लगा दे। मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। नहीं 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 मत रोइए, ऐसे ये गाना ही ऐसा था लेकिन मजेदार गाना था, है ना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल चैनल 100.1 खरा सोना, कलाकार बेमिसाल चल रहा है, बासुदा के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे बासुदा जो थे ना, वो उनका ये मानना था कि कई फिल्मों की पटकथा जो है वो उन्होंने खुद ही लिखी थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि निर्देशक कहानी को सबसे अच्छी तरीके से समझ सकता है। और बासुदा ने फिर मनु भंडारी की कहानी ये सच है पर रजनीगंधा फिल्म बनाई जो दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और इस फिल्म में ही अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर जैसे जो बिल्कुल हमारे और आपके जैसे दिखने वाले चेहरे थे ना, नायकों को लीड रोल देने का उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया था। जहां एक एक अगर हम बात करें उस टाइम की, तो उस टाइम पर अपने मिस्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना इतने बड़े बड़े सुपरस्टार थे, बट क्या किसी को लगा था कि अमोल पालेकर जैसे एक एक्टर आएंगे और हम सबका दिल जीत कर यूं चले जाएंगे? ऐसे मतलब आए और कब हमारे दिल में बस गए वो हमें पता ही नहीं चला, और ये सिर्फ हुआ बासुदा के वजह से ही। और इस फिल्म से ही विद्या सिन्हा को अभिनेत्री के तौर पर पहचान मिली थी। फिर तो वो इस तरह के कई और सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। इसके बाद उन्होंने अमोल पालेकर और जरीना बहाव को लेकर चितचोर बनाई और एक और
प्रयोग एक और एक्सपेरिमेंट बासु चैटर्जी ने अपनी फिल्म शौकीन में किया। इस फिल्म में तीन बुजुर्ग अशोक कुमार, ए के हंगल और उत्पल दत्त को लेकर उन्होंने बुजुर्ग मन के मनोविज्ञान को बहुत ही कलात्मक और सुंदर तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया। शौकीन में बुजुर्ग मन के उस हिस्से को उन्होंने सबके सामने लेकर आया जहां रोमांस कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में छुपा हुआ रह जाता है और अपने मन की करने की ललक पीछे रह जाती है। ओए होए, इतनी प्यारी प्यारी फिल्में बासुदा ने हम लोगों को दी। और अब मैं कौन सा गाना सुनाने वाली हूँ? वो गाना जो बहुत पसंद है, और गोरी का गांव अगर किसी को खूबसूरत लगा तो इस गाने से खूबसूरत मुझे लगता है कि एक्सप्लेन कुछ और कोई कर ही नहीं सकता है। तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवान रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। अपना बनाने को पंच करे देखो इनके जमारे, इनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। तो गोरी का गांव कितना प्यारा है आपको पता चला। अभी हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। नमस्कार, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालक, कोहरे में सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें, लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं, बेवजह पार्किंग ना करें, इमरजेंसी में तुरंत 1033 पर कॉल करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास, NHAI और NCREP द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जैसा कि मैंने बोला था, मैं दोबारा आऊंगी और बासुदा के बारे में आपसे बात करूंगी। तो बासुदा ने कई कमर्शियल फिल्म्स भी की जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने मंजिल और राजेश खन्ना के साथ चक्रव्यूह और फिर अनिल कपूर के साथ चमेली की शादी जैसी फिल्में शामिल हैं। अगर हम निर्देशक के तौर पर उनको कहें तो निर्देशक के तौर पर बासुदा बहुत ही सख्त माने जाते थे। सेट पर वो किसी तरह की कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते थे। चलिए एक किस्सा बताती हूँ आपको। दिल्ली की शूटिंग के दिनों की बात है ये। दिल्ली की शूटिंग चल रही थी, शिफ्ट सुबह 9 से 4 बजे तक थी। शत्रुघ्न सिन्हा को सुबह आना था, वो शाम के 4 बजे 4 से कुछ पहले आए। तो बासु चैटर्जी ने किसी तरह अपने को बिल्कुल एकदम कंट्रोल किया और शत्रुघ्न सिन्हा को बोलकर कॉस्ट्यूम पहनकर आने के लिए कहा। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी जो थे वो तैयार होकर आए। इधर बासु चैटर्जी और कैमरा निर्देशक मणि कौल में बहस रही थी। मणि कह रहे थे कि आधे घंटे में सूरज ढल जाएगा तो दिन का ये सीन कैसे पूरा कर लेंगे आप। तो बासुदा ने शत्रुघ्न सिन्हा जी को देखते हुए कहा कि अब तो पैकअप करना होगा, कल कोशिश करते हैं। निर्देशक का कठोर और सहज संदेश
ये था शत्रुघ्न सिन्हा जी को। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी फिर अगले दिन ना ठीक 10 बजे सेट पर पहुंच गए थे और फिर बासुदा ने फिल्म्स तो हमें एक से एक दी, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत भी की। ब्योमकेश बख्शी, ये सीरियल कितने लोगों को कितना पसंद आया है ना। मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने भी कई बार देखा है। इसके अलावा उन्होंने रजनी, जो कि एक नॉर्मल फीमेल की कहानी थी, वो भी हमें सीरियल काफी पसंद आया। दूरदर्शन पर ये सारे सीरियल आए। दर्पण और कक्का जी कहिन, ये ऐसे सीरियल्स थे जिनका निर्माण बासुदा ने किया और वो मानते थे कि टीवी का एक्सपोजर बहुत है और उसको बहुत सारे लोग एक साथ देखते हैं। साथ ही वो ये भी मानते थे कि टीवी की इतनी ज्यादा पहुंच है कि कुछ ऐसा बनाना जो एक साथ इतने सारे लोगों को पसंद आए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बासु चैटर्जी इस कदर अपनी चीजों के साथ, अपनी लेखनी के साथ जस्टिफिकेशन करते थे। तो चलिए, आज का ये कलाकार बेमिसाल आपको आई होप अच्छा लगा हो, जरूर बताइएगा।